यूपी के उन्नाव के सोहरा मऊ थाना क्षेत्र में अवैध रूप से बारूद लेकर जा रहे ट्रक में धमाका हो गया है, जिसमें ड्राइवर और क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई मकानों के छज्जे टूट गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त उन्नाव से, जहां यूपी के उन्नाव में सोहरा मऊ थाना क्षेत्र में अवैध रूप से बारूद ले जा रहे ट्रक में धमाका हो गया है, इसमें ड्राइवर और क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि कई मकानों के छज्जे टूट गए हैं। कितना बड़ा धमाका रहा होगा, इससे अनुमान लगाया जा सकता है। तमिलनाडु की सीएम जयललिता की सलामती की दुआओं का दौर जारी है। चेन्नई में अपोलो अस्पताल के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री जयललिता के लिए विशेष पूजा प्रार्थना की। जयललिता के जल्द अस्पताल से बाहर आने की उम्मीद जताई गई है। बड़ी तादाद में महिलाएं भी दुआ करने वालों में शामिल थी। हजारों लोगों ने उम्मीद जताई कि उनकी दुआओं से मुख्यमंत्री को ठीक होते देर नहीं लगेगी। बुखार और डिहाइड्रेशन के बाद 22 सितंबर की रात को जयललिता को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपोलो अस्पताल के मुताबिक जयललिता को इन्फेक्शन। इस बीच खबर है कि इलाज के लिए अपोलो अस्पताल ने ब्रिटेन के एक डॉक्टर की भी मदद ली है। कल मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा था कि वो जयललिता की तबीयत के बारे में उसे जानकारी दें। यूपी विधानसभा के चुनावों में शिवसेना अपना दमखम दिखाने को तैयार है। लखनऊ पहुंचे शिवसेना सांसद संजय राउत ने ऐलान किया है कि इस बार यूपी में शिवसेना 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और अकेले ही चुनाव लड़ेगी। संजय राउत के मुताबिक उद्धव ठाकरे समेत तमाम शिवसेना नेता यूपी में प्रचार करेंगे। इस मौके पर संजय राउत ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की, तो साथ ही यूपी के सीएम अखिलेश यादव की तारीफ भी की। उत्तर प्रदेश में कम से कम 200 सीट लड़ने की हमारी तैयारी कि इस बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में शिवसेना के विधायक जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि हमारी पार्टी सत्ता पे आएगी, लेकिन हमें विश्वास है जो भी हमारे विधायक चुन के जाएंगे, जनता भेजेगी, वो विकास के साथ हिंदुत्व का नारा, राष्ट्र का नारा भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बुलंद करेंगे। संजय राव के मुताबिक अखिलेश यादव काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन परिवार की राजनीति में फंस कर रह गए हैं। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका का तमगा प्राप्त मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने बीएमसी चुनाव में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मुंबई की महानगर पालिका बीएमसी में लंबे वक्त से काबिज शिवसेना बीजेपी गठबंधन इस बार के चुनाव में टूटने जा रहा है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ऐलान किया है कि बीजेपी अपने दम पर बीएमसी के सभी 227 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और शिवसेना के भ्रष्टाचार को खत्म करेगी। ये पहला मौका नहीं है जब महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन में दरार पड़ी हो। विधानसभा चुनाव के पहले भी दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जिसके बाद शिवसेना ने बीजेपी को समर्थन देकर सूबे में सरकार बनाई थी। अब एक बार फिर शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन नगर निकाय के चुनाव में दरकता दिख रहा है। 227 वार्ड लड़ने को तैयार है। हम अकेले चुनाव लड़ने वाले, हमारे कुछ छोटे मोटे सहयोगी के साथ में, और मुंबई महापालिका को शिवसेना ने जो माफिया का अड्डा बना दिया है, एक परिवार 15 साल से इन माफिया को पनाह दे रहा है, उसको हम भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। असल में बीएमसी चुनाव के मद्देनजर शिवसेना बीजेपी पर पहले से ही हमला करती रही है। ऐसे में बीएमसी चुनाव में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, ये बात तो तय थी, लेकिन अब इस पर मुहर लग गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के ऊपर लगे जमीन घोटाले के आरोपों की जांच अब दुर्ग प्रशासन करेगा। इस मामले में प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। पाटन से विधायक भूपेश बघेल पर पिछले दिनों कुर्दी डी गांव के लोगों ने उनकी पुश्तैनी जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। इस संबंध में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस नेता अजीत जोगी ने सीएम रमन सिंह को पत्र लिखकर जांच की मांग की थी। जोगी की पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल बकायदा सीएम से मिलने गया था। इस प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस के एक विधायक आर के राय भी शामिल थे। इस शिकायत को मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के पास भेजा और अब प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस मामले में जहां बीजेपी का कहना है कि ये मुद्दा किसानों से जुड़ा है, लिहाजा सरकार ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने इसे छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस और सरकार का षड्यंत्र करार दिया है। जमीन के मामले को का षड्यंत्र रचा गया है,
इस मामले की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी जांच कराया था, फिर से जांच करा ले, सांच को आंच नहीं। और जोगी जी और विधान मिश्रा जी, ये सभी लोगों ने लिखित में इसकी शिकायत की थी, तो निश्चित रूप से ये जांच जो है वो जनहित में है, किसानों के हित में है और ये होनी चाहिए। वहीं भूपेश बघेल ने अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को सिरे से नकार दिया था। महाराष्ट्र के चर्चित आदर्श घोटाले की सीबीआई जांच की रिपोर्ट पर आज मुंबई हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई इस केस की दोबारा जांच करे। मई में हुई सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि आदर्श सोसाइटी के लिए जिस जमीन का इस्तेमाल किया गया है उसके लिए मंजूरी नहीं ली गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के कुलाबा में आदर्श सोसाइटी का निर्माण युद्ध में मारे गए सैनिकों के परिवार और भारतीय रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए किया था। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी ने 31 मंजिल इमारत का निर्माण किया था। सोसाइटी बनने के कुछ सालों बाद एक आरटीआई में खुलासा हुआ था कि नियमों को ताक पर रखकर सोसाइटी के फ्लैट ब्यूरोक्रेट्स, नेताओं और सेना के अफसरों को बेहद कम दामों में बेचे गए। आपको बता दें कि इस घोटाले की बात 2010 में सामने आई थी, जिसके बाद महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को इस्तीफा देना पड़ा था। मुंबई पुलिस ने साल 2012 के वानखेड़े केस में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को क्लीन चिट दे दी है। दरअसल 2012 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और केकेआर के मैच के बाद शाहरुख पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने वहां मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड से गाली गलौज की थी। मुंबई पुलिस ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में बताया कि शाहरुख खान के खिलाफ साल 2012 में एक आईपीएल मैच के बाद वानखेड़े स्टेडियम में हुए विवाद के मामले में कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता। अदालत में हाल ही में दाखिल एक पुलिस रिपोर्ट में बताया गया है कि जांच में शाहरुख के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। इस घटना के बाद एक सोशल एक्टिविस्ट ने पुलिस में केस दर्ज कराया था कि शाहरुख ने अपने बच्चों के सामने गाली दी है। आपको बता दें कि सुरक्षा कर्मियों से बदसलूकी करने के चलते एमसीए ने शाहरुख खान के वानखेड़े स्टेडियम में एंट्री पर 5 साल तक का बैन लगा दिया था। ज्योतिष के क्षेत्र में हो रहे नए अनुसंधानों से दुनिया को परिचित कराने के लिए 63वां राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन कानपुर में आयोजित किया गया। सम्मेलन में यूपी विधानसभा के अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने 9 महिला ज्योतिषियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंडिया 24/7 चैनल के संपादक वासिंदर मिश्र ने की। सम्मेलन के दौरान 40 से ज्यादा रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए गए। सम्मेलन के दौरान विचारकों ने कहा कि अगर एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों को जोड़ दिया जाए तो मौसम की भविष्यवाणियां भी सटीक साबित हो सकती हैं। सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए इंडिया 24/7 चैनल के संपादक वासिंदर मिश्र ने प्राचीन ज्ञान पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया। ज्योतिष दिशा, देखिए ज्योतिष विज्ञान है ना, और राजनीति विज्ञान नहीं है, तो ज्योतिष विज्ञान है। विज्ञान दिशा राजनीति को नहीं देगी, समाज को देगी, और जब समाज को देगी तो राजनीति अपने आप आ जाएगी। आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में थी, हमारी सनातन संस्कृति के क्षेत्र में क्यों पीछे रहे, ज्योतिष और कर्म कांड में क्यों पीछे रहे, उस दिशा का ये पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस और भारतीय ज्योतिष परिषद का एक ठोस प्रयास है। विश्वास था, ज्योतिष एक वे ऑफ लाइफ बन गया और ज्योतिष के ही गाइडेंस से मैंने कितने तमाम लोगों की परेशानियां हल करी। एक गाइडेंस जैसा बन गया है और इस माध्यम से बहुत सारे लोग जो हैं वो बेनिफिट करते हैं। देखिए नेचुरल कैलामिटीज़ की बहुत ज़्यादा सटीक भविष्यवाणी एक तरीके से नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें मेजरली आप एनालिसिस लगा सकते हैं, पर इसकी बहुत ज़्यादा सटीक भविष्यवाणी कम देखने को मिली है। नॉस्ट्रेडामस के अलावा कोई उतना सटीक मिल नहीं पाया, कर नहीं पाया। एयर कॉस्टा पूरे देश में उड़ान भर सकेगी। एविएशन रेगुलेटर DGCA ने एयर कॉस्टा को पूरे देश में उड़ान भरने का लाइसेंस दे दिया है। नेशनल लाइसेंस हासिल करने वाली एयर कॉस्टा पहली रीजनल एयरलाइंस है। 3 साल पहले सर्विस शुरू करने वाली एयर कॉस्टा विजयवाड़ा, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद, तिरुपति और विशाखापट्टनम के लिए ही सेवा दे रही थी। नेशनल लाइसेंस मिलने के बाद अब एयरलाइन दिल्ली, मुंबई सहित लखनऊ, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, इंदौर जैसे सेक्टर के लिए भी सेवाएं देगी। त्योहारों के वक्त पर फ्लाइट लेने वाले यात्रियों के लिए ये एक अहम खबर साबित हो सकती है।
इस त्योहारी सीजन में घी, मक्खन और खाने के तेल की कीमतें आपका जायका खराब कर सकती हैं। सरकार 1 अक्टूबर से इन प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 40% से घटाकर 30% करने का फैसला लिया था, लेकिन जानकारी के मुताबिक सरकार ने फिलहाल ये फैसला टाल दिया है। अब अगले 6 महीने तक घी, बटर और खाने के तेल पर कस्टम ड्यूटी 40% बरकरार रहेगी। सरकार के इस फैसले से घी, बटर और खाने के तेल की कीमतें फिलहाल कम होने की उम्मीद घट गई है। वहीं तेल की कंपनियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार का ये फैसला अगले 6 महीने तक लागू रहेगा। लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती झेलने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आज पाकिस्तान के पीएम ने संसद के संयुक्त सत्र की मीटिंग बुलाई। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने आज पाक संसद में बयान दिया और कहा कि उरी हमले को लेकर भारत बिना सबूत के उन पर आरोप लगा रहा है। नवाज ने ये भी माना कि भारत की फायरिंग में उनके दो सैनिक मारे गए। शरीफ ने संसद के संबोधन में आतंकी बुरहान वानी को हीरो बताया और कहा कि कश्मीर मुद्दे का हल पाकिस्तान शांति से चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत की कार्रवाई का पाकिस्तान कड़ा जवाब देगा। भारत को आतंक की खेप सप्लाई करने वाले पाकिस्तान ने खुद को ही आतंक से सबसे ज्यादा पीड़ित बताया। चंद घंटों के अंदर अंदर, बल्कि 6 घंटों के अंदर अंदर भारत ने इस वाकये की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल दी। इस वाकये की टाइमिंग और फिर फौरी तौर पर पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार करार देने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि असल अजाइम क्या थे। फिर आलमी अखलाकियात को नज़रअंदाज करते हुए धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया। 28 सितंबर को भारत ने जंग बंदी मुआहदा तोड़ते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल से शदीद गोलाबारी की, जिससे पाक फौज के 2 बहादुर फर्जंद शहीद हो गए। आपको बता दें कि भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद नवाज ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। भारत की ओर से पाकिस्तान में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सरकार ने ये फैसला किया है कि जरूरत पड़ने पर सही मंच पर सबूत पेश किए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को सर्जिकल स्ट्राइक पर बयान ना देने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक जिन मंत्रियों को बयान देने को कहा गया है, सिर्फ वही बोलेंगे। इस बीच गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने साफ किया है कि सेना ने सामान्य प्रक्रिया के तहत सर्जिकल स्ट्राइक की एक वीडियो क्लिप सरकार को सौंप दी है। ये उनका अधिकार है, उनका भी कर्तव्य है कि सरकार को की भी कार्रवाई की जानकारी दे। एक जमाना था राइटिंग डॉक्यूमेंट दिया जाते थे, अब जमाना बदल गया, क्लिप मिल गई, क्लिप दे दी। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत की मांग करने वालों को पूर्व थल सेना अध्यक्ष जेजे सिंह ने कड़ा जवाब दिया है। जेजे सिंह ने कहा, सेना से ऑपरेशन के सबूत मांगने का अधिकार किसी को नहीं है। So if there has been damage caused to the other side, there is electronic evidence. We don't have to share it with anybody. खबर है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में सुरक्षा मामलों की अहम जानकारियों पर चर्चा की गई। सर्जिकल स्ट्राइक पर देश में सियासत हो रही है, लेकिन इसी सियासत के बीच खबर है कि सरकार के पास सर्जिकल स्ट्राइक के 3 तरह के सबूत मौजूद हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सेना के पास सर्जिकल स्ट्राइक के 3 तरह के सबूत हैं। इनमें पहला सबूत यूएवी से ली गई तस्वीरें हैं, दूसरा सबूत सैनिकों के हेलमेट में लगे कैमरों से रिकॉर्ड हुई तस्वीरें और तीसरा सबूत सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं। एलओसी पार के लोगों ने भी माना है कि वहां आतंकियों का सफाया किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पाक आर्मी और आईएसआई ने चुपचाप शव दफना दिए। ये भी बताया गया कि कुछ शव दफनाए गए हैं, कुछ लश्कर कैंप भी लगाए गए हैं। आर्मी को ऊपर में विश्वास रखे और सरकार को ऊपर छोड़ दीजिए। फौज कहती है कि हमने कुछ किया है तो उसके ऊपर कोई टोका टाकी नहीं। आपको बता दें कि 28 सितंबर की रात सेना ने एलओसी पार कर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। सूचना ये भी है कि जिस जगह पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया वहां पाक सेना मौजूद थी। खबर ये भी है कि एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल, सेना और खुफिया एजेंसियां सर्जिकल स्ट्राइक के सबूतों को सार्वजनिक करने के खिलाफ हैं। पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित करने की मांग करने वाली याचिका ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। ये याचिका व्हाइट हाउस की अब तक की सबसे लोकप्रिय याचिका बन गई है। याचिका पर हस्ताक्षरों की संख्या कल दोपहर तक नए हस्ताक्षरों के साथ 6,65,769 पहुंच गई है।
किसी भी व्हाइट हाउस याचिका ने अभी तक 3,50,000 का आंकड़ा पार नहीं किया था। इस बारे में व्हाइट हाउस ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। संभावना है कि व्हाइट हाउस द्वारा याचिका बंद किए जाने से पहले किए गए इन हस्ताक्षरों को विधिवत सत्यापन के बाद अंतिम संख्या में शामिल किया जाएगा। बता दें कि ऐसा करने पर फर्जीवाड़ा किए जाने की आशंका कम हो जाती है। याचिका ने ओबामा प्रशासन की प्रतिक्रिया हासिल करने के लिए जरूरी 1,00,000 की संख्या की सीमा पहले ही पार कर ली थी। व्हाइट हाउस की ओर से इस याचिका पर निर्धारित 60 दिनों के समय में आधिकारिक प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि ये याचिका जारी होने के बाद लोगों ने इसे जमकर सोशल मीडिया पे शेयर किया था। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस असमंजस में है। कल तक जहां संजय निरुपम सबूत मांग रहे थे, वहीं आज पीएल पुनिया कह रहे हैं कि सबूतों की कोई जरूरत नहीं है। पीएल पुनिया के मुताबिक कांग्रेस को सेना के बयान पर पूरा भरोसा है और सबूत की कोई जरूरत नहीं है। पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने भी संजय निरुपम के बयान को खारिज किया है। हमें आर्मी पर गर्व है, सरकार पर भरोसा है और सरकार भविष्य में भी पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करेगी। कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी। और ऑल पार्टी मीटिंग के बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी स्पष्ट रूप से कहा, आर्मी और सरकार को बधाई दी और भविष्य में भी इस तरह के कदम उठाएंगे तो हम समर्थन देंगे। हमारी पार्टी ने जो स्टैंड लिया है, मैं उसके साथ 100% हूँ। फिनिश। पार्टी के किसी एक आदमी ने कोई स्टैंड लिया है तो मैं वो उसने सही किया है गलत किया है ये बोलने का मेरा काम नहीं है, पार्टी का काम है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक की तारीफ की थी। कहा था पीएम ने 2.5 साल में पहली बार अच्छा काम किया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी कांग्रेस ने सरकार का साथ दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक पर पिछले 2 दिनों से कांग्रेस के रुख में थोड़ा बदलाव आया है। सोमवार को आनंद शर्मा ने सरकार से सबूत मांगे थे तो मंगलवार को संजय निरुपम ने सर्जिकल स्ट्राइक को ही फर्जी बता दिया था। इसके बाद पी चिदम्बरम ने भी सर्जिकल स्ट्राइक पर सरकार से दस्तावेज मांगे थे। सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले अरविंद केजरीवाल और संजय निरुपम के खिलाफ आज देश भर में कई प्रदर्शन हुए। लखनऊ में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने और वाराणसी में शिवसेना ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मुंबई में भी बीजेपी ने कांग्रेस नेता संजय निरुपम के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये मानसिक दिवालिया लोग हैं, इनको देश की शान शौकत बिल्कुल मंजूर नहीं है, ये तो निहित वोट बैंक के लिए। 3 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो मैसेज जारी कर सर्जिकल स्ट्राइक पर पीएम मोदी की तारीफ की थी, लेकिन साथ ही पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा खत्म करने के नाम पर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सबूत मांगे थे। 4 अक्टूबर को कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने एक ट्वीट किया, लिखा, जब तक सबूत सामने नहीं आएंगे तब तक सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी माना जाएगा। विरोध बढ़ा तो कांग्रेस का आधिकारिक बयान सामने आया, कहा संजय निरुपम का बयान गलत, कांग्रेस को सेना पर पूरा भरोसा है। निरुपम के बयान से कांग्रेस पहले ही पल्ला झाड़ चुकी है, बावजूद इसके दोनों नेताओं के खिलाफ विरोध के सुर तेज होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पाक अधिकृत कश्मीर में हुए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़ा करने वालों पर कड़ा हमला बोला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे लोगों को आज का जयचंद बताया है। शिवराज सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि मैं आज के इन जयचंदों से आग्रह करता हूं कि देश की सुरक्षा और सेना की कार्रवाई जैसे मुद्दों को राजनीति से अलग रखें, ये देश हित का मामला है। अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए भारतीय सेना के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़ा करने वालों को पापी कहा है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल और संजय निरुपम जैसे लोग इस तरह की बयानबाजियां कर सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। उत्तर भारत में भले ही मानसून ठंडा हो गया हो, लेकिन पश्चिम भारत के अंदर बारिश का कहर अभी भी चालू है। महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश हो रही है। गुजरात के जूनागढ़ में बाढ़ के हालात हैं, गलियों में पानी घुस गया है, बाढ़ का पानी घरों के अंदर पहुंच गया है। हालात ये हैं कि बाढ़ के पानी ने सब कुछ डुबो दिया है। गुजरात में मौसम के बिगड़े मिजाज के चलते नवरात्र के कार्यक्रम में भी दिक्कतें आ रही हैं। सूरत में भी भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से नवरात्र के पंडालों में पानी जमा हो गया है। बता दें कि इस साल गुजरात में 86% बारिश हुई है। बारिश के चलते कई कार्यक्रम कैंसिल करने पड़े हैं और कई दुर्गा पंडाल के अंदर बारिश के चलते अव्यवस्था खड़ी हो गई है।